आप ओनर है? ना मैं ओनर। ठीक है, मुझे आप अपना नंबर बताओ। 700 वाला गुजर। आपका शॉप है क्या, नाम एड्रेस क्या है? मधुर मोबाइल नावली पुलिस चौकी। आपका और आपका मोबाइल नंबर बताओ। 982। मेरे दुकान का नाम है, मोबाइल मेरा नंबर है 9 6 7 વિવો Y83। હા જી, તે જ્યાં હું શીખવા જવાનો, જ્યાં મેં પહેલાં ચોઈસ કર્યું હતું, જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં મેં જવાનો હતો, ત્યાં મેં એ ફોન આપેલો પહેલાં ચેક કરવા માટે કે શું થાય છે, તો એ ત્યાંથી એ ફોન રિટર્ન આવેલો છે। અચ્છા, અને જે ફોન આપણે અહીંયા બનાવેલો છે। અચ્છા, ક્યાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કા નામ નહીં બોલુંગા, લેકિન મેરે જે 4-5 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેં ચેક કિયા હું, જ્યાં મુજે એ બોલા ગયા કે 15 દિન કા કોર્સ હૈ, 40,000 રૂપિયા ફીસ હૈ, ઉસમે ભી આપકો હર રોજ 5 ઘંટા આના હૈ, 5 ઘંટા આના હૈ, ઓર ઉસકે બાદ ભી બોલતા હૈ કે 5 દિન તુમ્હારા થિયરી ચલેગા, 5 દિન તુમ્હારા પ્રેક્ટિકલ ચલેગા, 5 દિન તુમ્હારા સોફ્ટવેર ચલેગા, ઉસકે બાદ ભી બોલતા હૈ કે ભાઈ 5 આપ વો આયેગા 11 બજે, 11 બજે આને કે બાદ બોલતા હૈ કે ભાઈ મેં જો હૈ 12 બજે સે ક્લાસ ચાલે, 1 ઘંટા મુજે સાફ સફાઈ કરમે। ફિર મેં જબ જબ ઉસકે પાસ એડમિશન લેને ગયા, તબ મુજે એક ચીજ લગા, મેં આધા ઘંટા વહાં ખડા રહા, તબ ઉસને મેરે સાથ ગયે થે ઓલરેડી, મેં ગયા ઓલરેડી ચેક કરને કે લિયે, એડમિશન કે લિયે। ફિર મેં ગયા તો મેને દેખા, જસ્ટ આધા ઘંટા ઉસકે પાસ ખડા રહા, તો ઉસને મુજે 5 મિનિટ ખાલી સમય દિયા બાત કરને કે લિયે। તો મેને દિમાગ મેં એક સોચા, જો બંદા આધા ઘંટા ખડા રહને પે 5 મિનિટ કા સમય દેતા હૈ, તો 5 ઘંટે મેં ક્યાં સિખા દેગા। સહી બાત હૈ, તો ઇસલિયે મેને એશિયા ટેલિકોમ જોઈન કિયા। बहुत अच्छा किया, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी किस्मत है आज यहाँ। दूसरी एक चीज है कि बैकअप मिलता है, 3 साल बाद भी अगर बंदा आना चाहे तो बिंदा तुम्हारे सामने का खुद ही आ रहा है। 2019 वाला आ रहा है, 2017 5 साल। तुम नेपाल में कहाँ से? थोड़ा से। कि शॉप वॉप है कि नहीं है? है मेरा शॉप। क्या बताओ एड्रेस? मेरा बैंक रोड में है। बैंक रोड में। आपका नाम बताओ शॉप का? हेमंत इलेक्ट्रॉनिक। हेमंत इलेक्ट्रॉनिक। और आपका मोबाइल नंबर बताइए। 98 जी लगाए थे वहाँ पर, वाले इंस्टीट्यूट में? नहीं, मोती बिहार में। नहीं, यहाँ लगाए जी। यहाँ और मोती बिहार में कितना अंतर? बहुत बहुत। कितना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नंबर भी उसमें डाला गया था। हाँ, नेपाल का नंबर डाला गया। फोन करके भी पूछा। क्या नाम था उसका? नाम कोई शाम। हाँ हाँ, शाम। तो उससे भी मैंने पूछा, तो वो भी बोला नहीं ठीक है जाइए, बढ़िया रहेगा। पटना। पटना में कैसे आई, जबलपुर कैसे? सर वो फेसबुक पे सर वीडियो देखे थे। सर फेसबुक वीडियो देखे थे, कैसा लगे फेसबुक वीडियो? बहुत बढ़िया। आग लगती है अंदर, देखिए यार ये इतने अच्छे कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं। यस सर, बहुत लगती है। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर, हम कभी इसके पहले कभी हम फोन खोले भी नहीं थे सर, और अब तो सर लगता है कि सब कुछ कर ले। अरे मुझे बताओ, तुमने लाइव पावर सीपीयू निकाल लिया? यस सर। इन्हें झूठ नहीं बोले? निकाले। पक्का? पक्का। कोई फोर्सली नहीं बोल रहे हैं सर, सब अपने मन से बोल रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा होता है, आप रियलाइज कियो, प्रैक्टिकल कियो। यस सर। और डेथ सेक्शन कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया सर। कैसा? पहले तो कुछ करते नहीं थे, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि तुम कुछ यहाँ पर की डाइट कैसे बनाते थे। चलो ठीक है, एसर टेलीकॉम मतलब क्या? पैसा वसूल। पक्का? दूसरे के शॉप पे करता था वर्ड में, 2020 में अपना शॉप कर लिया। कहाँ पर? बिहार में गया से, थोड़ा सा 15 किलोमीटर आ गया। नंबर, नाम क्या है आपका शॉप का? लव मोबाइल। लव मोबाइल। आउटपुट आपका है सर? स्टूडेंट्स का मैं लाइव देखता था यूट्यूब पे, फेसबुक में लाइव, फेसबुक पे लाइव। तो कॉन्फिडेंस फर्स्ट दिन से, जैसे कॉन्फिडेंस सब स्टूडेंट का देखा, तो मेरे अंदर से बूस्ट हुआ कॉन्फिडेंस सर, कि जाना है तो मेरे को यहीं जाना। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, मैंने बहुत सारा का वीडियो भी देखा, लेकिन आपका सर मैं 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, कहीं भी मेरे को नो डाउट लगा कि हाँ जाऊँगा तो मेरा ये वेस्ट होगा, बट सर यहाँ पे आने के बाद मैं जो मास्टर लेवल का सीखना चाहता था वो सीख गया सर। यहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? इतना प्रैक्टिकल हुआ सर कि मैं सोचा नहीं था कि इतना प्रैक्टिकल। मैं खुद 15-20 डेट फोन लेके आया हूँ, सारा मैं वो जाके अभी करने वाला हूँ सर प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताओ, अभी नया कोई बिहार से आना चाहे तो क्यों है बताओ? बेशक आ सकते हैं, अगर अपग्रेड होना है, अगर लगना है कि आपको झोला छाप नहीं है, वो मेन MBBS होता है ना, गांव-गांव में झोला छाप, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो MBBS बनना है तो एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा। मैं भी आया क्योंकि मेरे को पहले झोला छाप मैं भी था, बट अभी मेरे को MBBS का नॉलेज लेना था, वो मैं यहाँ पहुँच गया, मेरे पास अच्छा सिखाते हैं आपको सीखना। उसका नाम क्या? पंकज। 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 पंकज पंजाब से? जम्मू से। जम्मू। जम्मू। दोस्त है आपके? मेरे। अरे क्या बात है, पंकज तो हमसे सीख के गया। पंकज कैसा काम कर रहा है? बढ़िया कर रहा है सर। बढ़िया CPU पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सब कर रहा है वो। तो नहीं, मैंने किया ही नहीं था कभी। नहीं, CPU पावर यहाँ लाइव किया? यहाँ पे लाइव किया सर। चालू किया सेट? हाँ हाँ चालू किया। EMMCP पे आज डेट सेक्शन में सिखाया सारा, कैसे फाइंड करना है सेट को, कैसे चेक करना, कैसे क्या करना, सारा EQZ सिखाया सर। और मुझे बताओ कि यहाँ से जाने के बाद में प्रैक्टिस कितनी जरूरी है आपकी? प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है सर, करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई भी बच्चा सीख सकता है यहाँ पर? बिल्कुल सीख सकता है, फ्रेशर भी सीख सकता है, क्योंकि मैं फ्रेशर ही था। हाँ हाँ हाँ। अब जाके डेड मोबाइल पे काम कर सकते हैं जी सर? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं फ्रेशर कोई सेक्शन तो बना सकता है, पर डेड ही नहीं बना सकता। ये मैं गलत साबित करता हूं? नहीं नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया वो तो एकदम फ्रेशर के माइंड में एकदम 100% बढ़ जाता है। हीट मार रहे हैं, हीट मारेंगे और डेड करते रहे। और मैं कहता हूँ हीट नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बोलूंगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आओ वरना पड़ोसी तुम्हारा दुकानदार तुमसे आगे निकल जाएगा। हाँ।
अपना आपका एड्रेस क्या है? मेरा सर मेरा गुवाहाटी है, पल्टन बाजार। और मोबाइल मेकर मेरे दुकान का नाम है। मोबाइल मेरा नंबर है 96। आया जब पहला क्लास किया, उसके बाद पता चले क्या लेवल है सर का, एकदम हाई लेवल सर। वो लेवल मैच करना मतलब होता है ना एक सर, ज्ञान होता है, लेकिन किसी में डालने का भी सर ज्ञान किसी में डालने का भी क्षमता होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा क्या, यहाँ अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसको लिखना नहीं भी आता हो सर, इतने बार बोलते हैं और इतने अच्छे से समझाते हैं, लेकिन समझना है ही दिमाग में जाएगा, ही बिना सीखे नहीं जा सकता। उसलिए सर बार बार बोलते हैं कि जो भी आएगा सबसे काम करवा के सिखा के भेजूंगा। सॉरी, लाइव 4G पावर निकाला था, फिर CPU निकाल के लगा के भी चालू किया, ऑन किया, और सर उस दिन वो नेटवर्क का सेक्शन था, उस दिन भी जाके मैंने उठा के फिर ऑन भी किया। होती यहीं आए बाप पछी खबर पड़ी कि आवी रीते हो काम करता पहला, पण एवी रीते नहीं। बाबा वाला पूछो, आपका शॉप है क्या, एड्रेस क्या है? मधुरम मोबाइल, नावली पुलिस चौकी। आपका और आपका मोबाइल नंबर बताओ। 982। ऑल द बेस्ट, एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। दुकान का नाम है मनोराज कम्युनिकेशन। क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ पे मतलब मैं तो बस ऐसे मोबाइल के शॉप पे रहता था, एक बंदा वहाँ पे था रिपेयरिंग का, वो काम वगैरह करता था, मैं बस उसके यहाँ पे बस ऐसे दिख रख करता था, बस समझ में कुछ नहीं आता था। उनको भी समझो ना सर, उसको भी आता ही नहीं, वही ईटिंग वोटिंग वाले। तो मुंबई में मनीष मार्केट में चले जाते, कितने इंस्टीट्यूट है मुंबई सर में? मैंने बहुत मतलब सर्च किया तो मेरे को सबसे बेस्ट एशिया टेलीकॉम ही। सच बताओ, इंडिया में सबसे बेस्ट कौन है बताओ? अपना एशिया टेलीकॉम सर। जी जी। बच्चे ना बोल के आप बोलते थे। जी जी। जैसे अब हम सामने खड़े हैं, हम नहीं बोलते, आप ही बोलते थे कि हम सिखा ही देंगे ऐसे टाइप की। तो आपका कॉन्फिडेंस देख के मैं यहाँ पे आया। बिल पे काम करते थे आप? बाबा थे सर, मंत्र काम किए तो ठीक, नहीं तो फिर सनी भारी। पैसा वसूल सर, पक्का एकदम गारंटी दे सकते हो? फुल स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप ओनर है? ठीक है, मुझे आप अपना नंबर बताओ। 700। अब डायग्नोस एकदम अलग लेवल का लगा, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये मेरे पास मेरे चेहरा है पहले। हाँ जी, मैंने देखा है कि मेरे से नहीं हुआ, इसलिए लाया इधर की बोला। तो ऐसा जैसे आज मैंने किया, आपने एक भी ऐसा कुछ भी नहीं, एक भी ट्रिक मुझे पता नहीं था। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीको निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? सहदेव किधर से? त्रिपुरा। सहदेव, तुम्हारे कितने सारे फोन देखे यार, हमने 2-3 फोन तो तुमके लिए आए। अच्छा, पांच फोन लेके आए थे। सो सहदेव, वो फोन आप क्यों लेके आए थे बताओ? डेट आज उनको डायग्नोस किया, तो आज कैसा लगा वो डायग्नोस में? डायग्नोस एकदम अलग लेवल का लगा, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये मेरे पास मेरे चेहरा है पहले। हां जी, मैंने देखा है कि मेरे से नहीं हुआ, इसलिए लाया इधर की बोला। तो ऐसा जैसे आज मैंने किया, आपने एक भी ऐसा कुछ भी नहीं, एक भी ट्रिक मुझे पता नहीं था। सहदेव, मुझे शुरुआत से बताओ, पहले दिन से आपके में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अभी क्या बोला, अभी तो आने वाला और भी है, लेकिन जितना मैंने समझा अभी तक जितना ले लिया। अगर मैं अभी बता दूं, आज ही की डेट में एक मोबाइल अगर मैं तुम्हें दूं और एक डेड फोन है, अगर MMC प्रोग्रामिंग को छोड़ दो और सॉफ्टवेयर को भी छोड़ दो, क्योंकि वो क्लास बची है, अगर कोई IC से रेट हो तो बना लोगे कि बना लो? एकदम आराम से बिंदास बना। कौन कौन बनाएगा बताओ, सॉफ्टवेयर और MMC को छोड़ के? क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि हमने क्लास दी नहीं है ना भाई, और जिस दिन देंगे उस दिन भी दबा के बोलेंगे कि ये बनाएंगे वो। मैंने क्या बोला, इस बार इतिहास में एशिया टेलीकॉम में सबसे ज्यादा MMC चेंज के वीडियो बनेंगे। Yes, और इसके लिए खास तौर पे MD सर को दिल्ली भेज रहे हैं आपके लिए MMC लाने के लिए। एक बार MD सर के लिए ताली हो जाए भाई। सर ने मेरे से रिकमेंड किया है, मैं बता रहा हूँ। एक बार आपका शॉप का नाम क्या है? शॉप का नाम है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप ओनर है? नहीं ओनर। ठीक है, मुझे आप अपना नंबर बताओ। 700-565-1286। अगर आपके पास कोई इंडिया से भेजना चाहे तो कुरियर रिसिप्ट करेंगे? कोई भी भेजे, बिंदास भेजे, और उनका काम 100% होगा, 102% होगा, और ये हमारी गारंटी है, एशिया टेलीकॉम की है। सो एशिया टेलीकॉम मतलब क्या, पैसा वसूलती। तो राहुल कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से कहाँ से? कवर्धा जिले से बोल। ओके, तो मुझे बताओ राहुल, क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा शॉप था मोबाइल रिपेयरिंग। शॉप था कि है? मतलब है, है। है, क्या नाम है? ओम मोबाइल। ओम मोबाइल, कहाँ पर, एड्रेस बताओ। कवर्धा जिले के बोड़ला में। ओके, तो मुझे बताओ कि किस लेवल पे काम करते थे आप? बाबा थे सर, मंत्र काम किए तो ठीक, नहीं तो फिर सनी भारी।
मतलब मंत्र दे दिया, फूक के आ गया, चालू हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, नहीं तो सर। अच्छा डेट आता तो क्या करते थे, सच बताओ, सच बताना, कोई झूठ नहीं। कुछ नहीं सर, बस निकालते थे, देखते थे, और उसमें कुछ तो आता नहीं था, बस हीट कर देते थे, चालू हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दे देते। तो हर सेट को हीट करके नहीं बनाया जाता, आज पता चल गया। हाँ, वो तो पता सेट को हीट करना ही नहीं है। हाँ। आज एक भी हीटिंग किया गया हमने सेट? नहीं सर, कोई डेट सेट कैसा सेक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। पहले तो मतलब डेट सेक्शन होने से पहले डर लग रहा था, समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि नहीं, ऐसे टाइप का। और जब सेक्शन चालू हुआ ना तो समझ आ गया कि अरे तो बहुत आसान, धीरे धीरे जब जब स्टेप टू स्टेप। अच्छा यहाँ पे सेक्शंस कैसे भी हो, पढ़ाने का जो तरीका है वो फिट होता है? हाँ, होता है सर, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से फिट होता है। अच्छा, और मुझे बताओ यहाँ लाइट क्या काम किया आपने? हमने पावर आइस निकाल के, चालू मोबाइल से पावर आइस निकाल के फिर से लगा के चालू किया, सीपीयू निकाल के उसको वापस से चालू किया। तो ये आपने किया? हाँ। आपने आईसी पे कभी काम नहीं किया? कभी नहीं किया। आप देखो यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी आईसी पे काम नहीं किया और इन्होंने सारा आईसी निकाल के लगा के चालू किया। जिस दिन ये हुआ उस दिन फील हुआ कि अब ये सब कुछ करवा सकते हैं, बताइए। हाँ सर, मैं तो आपका यही रिव्यू मतलब ये देख के आया सर, मतलब रिव्यू से ज्यादा मुझे ना आपकी जो बातें सुना था मैंने वीडियो में यूट्यूब में कि आप दावे के साथ बोलते थे कि बच्चों को सिखा के छोड़ेंगे या सिखा ही देंगे, जी जी जी। बच्चे ना बोल के आप बोलते थे, जी जी। जैसे अब हम सामने खड़े हैं, हम नहीं बोलते, आप ही बोलते थे कि हम सिखा ही देंगे, ऐसे टाइप के। तो आपका कॉन्फिडेंस देख के मैं यहाँ पे आया। जब यहाँ पहले दिन आए थे तो मेरा सेम कॉन्फिडेंस था, हाँ, वही था। कहीं मैं ऐसा लूज बूज तो नहीं आया? नहीं सर, या मैं डरा हुआ था कि इतने स्टूडेंट है यहाँ, क्या होगा कैसे होगा? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं था सर, आप ही का कॉन्फिडेंस देख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ पर डिसिप्लिन है कि नहीं है बताओ? डिसिप्लिन तो एकदम ज्यादा है सर, ज्यादा है। जो भी मतलब डिसिप्लिन अगर फॉलो कर सकते हैं में, ये बताओ ऐसा बारह पंद्रह दिन जितने भी निकाले ऐसा निकाले हैं क्या कभी? अभी नहीं निकाला सर, अभी नहीं निकाला। यहाँ से जाने यहाँ आधा किलो वजन कम होगा कि नहीं होगा? हो गया एकदम डोले सोले थे सर, सब कम हो गया, सब कम हो गया। तो नॉलेज भर रहा है, नॉलेज इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है अब इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। अब हो गई सेट, हो गई, हो गई। चलो अब मैं ये बताओ कि आज डेट सेक्शन अच्छा लगा है, आपने सब बताया मुझे, बहुत सारा फीडबैक आपसे लेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट आपके यहाँ से आना चाहे तो क्या बोला है उसको? नया बिल्कुल आ सकते हैं सर, बस उनको दिमाग आँख कान सब खुला रखना होगा, बाकी उनको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है सर, बाकी उनको इंटरेस्ट होना चाहिए और सभी सब ध्यान यही होना चाहिए, घर की तरफ या और किसी तरफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी कोई नहीं रोक सकता उनको। और लाइव जो आते हैं वो कितना बेनिफिट है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, दोनों के? आने वालों के लिए भी बेनिफिट है सर और हमारे लिए भी बेनिफिट है। तुम्हारे लिए कैसे है लाइव आना बेनिफिट? सर कभी तो ऐसे कैमरे के सामने बोले भी नहीं है, ये सब कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। पहले तो कैमरे के सामने आके मतलब मुंह नहीं खुल पाता था, अब खुल जाता है। अब तो मतलब रील भी बनेगी घर जाकर। हाँ। मैं ये जानना चाहूंगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एसर टेलीकॉम फुल मतलब क्या? पैसा वसूल सर, पक्का एकदम गारंटी दे सकते हो? फुल। पहले तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दिन वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, लेकिन सर का जो बोलने का तरीका, जो ज्ञान है। और मैं एक बात बोलूँगा, मैं जो पहले दिन आया था मैं सोचा था जाऊँगा क्लास, अगर ठीक लगा कंसल्टिंग का वरना चला जाऊँगा, लेकिन सर पहले रूम पे जो बताया सर ने, तो पहले तो लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, ये हो इंग्लिश रहे थे, लेकिन जब आया, जब पहला क्लास किया, उसके बाद पता चले क्या लेवल है सर का, एकदम हाई लेवल सर। वो लेवल मैच करना मतलब होता है ना, एक सर ज्ञान होता है, लेकिन किसी में डालने का भी सर ज्ञान किसी में डालने का भी क्षमता होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा क्या, यहाँ अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसको लिखना नहीं भी आता हो, सर इतने बार बोलते हैं और इतने अच्छे से समझाते हैं, लेकिन समझना है ही दिमाग में जाएगा, ही बिना सीखे नहीं जा सकता। उसलिए सर बार बार बोलते हैं कि जो भी आएगा सबसे काम करवा के सिखा के भेजूंगा, बिंदास क्वालिटी है। तो मुझे बताओ लाइव आपने क्या क्या किया? लाइव सर मैंने पहले दिन तो सर वो सीपीयू निकाला, ये सॉरी लाइव 4G पावर निकाला था, फिर सीपीयू निकाल के लगा के भी चालू किया, ऑन किया, और सर उस दिन वो नेटवर्क का सेक्शन था, उस दिन भी जाके मैंने उठा के फिर ऑन भी किया। और बहुत सारे सेक्शन भी समझे डीप लेवल पे, सर्किट लेवल पे समझे कि नहीं? पूरा सर्किट सर, जहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से एंड, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जहाँ से शुरू जहाँ से खत्म, एंडलेस जो बोलते हैं वहाँ। और बोर्नियो से तो नहीं सिखाता? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। उस दिन नेटवर्क का सेक्शन था, मैं खुद जब क्लास करने सर को बोला भी बाद में क्लास के बाद, कि जब आया था मैं सोच के यार बहुत हार्ड होगा, मेरा दिमाग से मोटा है, घुसेगा नहीं घुसेगा, लेकिन सर ने जो सरल तरीके से बताया, मैं निकल के खुद गया सर वहाँ बैठे, तो उन्होंने खुद बोला सर को कि सर क्या समझाए हो, तो सर ये दिल से निकलता है ये। और आज डैड को बताओ, डैड सबसे हार्ड बोलते सर? सबसे हार्ड नहीं बोलो, सबसे आसान है अगर देव सर है तो। डैड आपको आसान लगा कि नहीं?
आज कितने सारे आपके भी बहुत सारे सेट है। हाँ सर, सबसे तो मेरा ही सेट से ओके किया सर, सबसे पहले नोट 6 प्रो सर। अच्छा क्या किया आपके सेट में बताओ सर, उसका पूरा बताओ। ईएमसी का प्रॉब्लम था, तो ईएमसी का प्रॉब्लम जानना भी तो बड़ी बात है ना, ढूंढना। तो ईएमसी वाले सेट में तो लोग हिट मार रहे हैं, हिट मारेंगे और डेट करते रहे, और मैं कहता हूँ हिट नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बोलूंगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आओ वरना पड़ोसी तुम्हारा दुकानदार तुमसे आगे निकल जाएगा। अपना आपका एड्रेस क्या है? मेरा सर मेरा गुवाहाटी है, पल्टन बाजार। और मोबाइल मेकर मेरे दुकान का नाम है। मोबाइल मेरा नंबर है 9678713070। इसा टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल करना है अभी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? परमार महेश। परमार, आप कहाँ से हैं सर? मैं हूँ गुजरात से। गुजरात, गुजराती बोल लोगे आप? हाँ बोल लूंगा। हाँ गुजराती भी बोल लो, ठीक है। आप गुजराती में बोलिए प्लीज। मैं जानना चाहता हूँ कि वाई एसा टेलीकॉम क्यों? एशिया टेलीकॉम इसलिए, मतलब एशिया टेलीकॉम में एटला माटे जॉइन करूँ छे के मैं वीडियो जोया छे 6 महीना थी, हूँ लगातार एमने फॉलोअर करूँ छू। अने फॉलोअर कर्या पछी मैं मारा ब्रधर, मतलब मारा काकाना छोकरा साथे, एक्चुअली एनी साथे मैं डिस्कस कर्या पछी अमे बे एक जगह गया भी, मैं हूँ कहवा नहीं मांगतो, पण एक्चुअली एक मोबाइल अहीं लईने आव्यो छूं, जे हमणां आपणे जोयो डेट सेक्शन में वीवो Y83। ते ज्यां हूँ शीखवा जाणो, ज्यां मैं पहला चॉइस कर्युं हतुं, जे इंस्टिट्यूटमां मैं जवानो हतो, ત્યાં મેં એ ફોન આપેલો પહેલાં ચેક કરવા માટે કે શું થાય છે, તો એ ત્યાંથી એ ફોન રિટર્ન આવેલો છે। અચ્છા, અને જે ફોન આપણે અહીંયા બનાવેલો છે। અચ્છા અચ્છા અચ્છા। તો બીજું કે જ્યારે હું એમની પાસે વાત કરવા ગયો કે ભાઈ મારે અહીંયા શીખવા માટે આવવું છું, तो ये कह रहे हैं कि एक जगह से जहाँ से रिटर्न आया है वो हमने बना के भेजा है, इससे मतलब रिटर्न आया है वो यहाँ पे सरल ही बन गया है सेक्शन में। तो ये सारी चीजें कितनी आसान लग रही हैं एशिया टेलीकॉम? बहुत आसान। और मैं 6 महीनों से एशिया टेलीकॉम को फॉलो कर रहा था। आपसे एक बार जनवरी में मैंने कॉन्टेक्ट भी किया था, उसमें तब उस टाइम जो बता रहा हूँ उस टाइम 10,000 का डिस्काउंट चल रहा था। अच्छा, आपकी मम्मी का जन्मदिन। फिर उसके बाद उस टाइम तो मुझे मौका नहीं मिला, फिर आपसे मैंने डिस्कस किया तो बोला नहीं पैसा तो ये वो तो डिस्काउंट था खाली मम्मी के बर्थडे के हिसाब से। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर सीखना है तो 10,000 कोई इश्यू मायने नहीं। अब बताओ वाकई में वो 10,000 मायने रखते हैं क्या? नहीं, 100% नहीं रखते। क्योंकि यार इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी सिर्फ सीख कर ही इंस्टीट्यूट खोल कर चला रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, ज्यादातर ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, आज अभी वो प्रैक्टिकल पूरा इतना नहीं करते। तो सही जगह आयो कि नहीं आयो? एकदम सही जगह आया। और मैंने बोला ना मेरे भाई के साथ मैंने बहुत डिस्कस किया, और भाई ने एक ही चीज मुझे बोला, मेरा चाचा का लड़का है, मतलब मेरे से छोटा है, फिर भी हम लोग साथ में रोज बैठते उठते मेरी शॉप पे। हाँ जी। तो हमने बहुत बार उससे डिस्कस किया, तो उसने एक ही चीज मुझे बताया, उसने मैंने और उसने दोनों ने मिलकर आपका फॉलोअर यूट्यूब पे फॉलोअर चेक किया, फिर फेसबुक पे चेक किया, तो उसने एक ही चीज बोला कि जहाँ अगर टीचिंग से तुमको सीखना हो थियरी में और प्रैक्टिकल सीखना है तो तुम यही ज्वाइन करो। अच्छा, तो ऐसा वो उसको लगा? हाँ, उसने यूट्यूब पे जो देखा ना आपका फॉलोअर देखा, रिव्यू देखा, उसके हिसाब से मुझे बोला यहाँ जाओ 100%। अच्छा ये बताओ अभी वो देख रहा होगा? अभी वो देख रहा है, 100% देख रहा है। तो क्या बोलना चाहोगे उसको? उसको बोलना चाहूंगा जो गाइड दिया हमने जो डिस्कस किया वो एकदम सही है, 110% सही है। आपका शॉप का एड्रेस है क्या? हाँ, मेरा शॉप का एड्रेस है, मैं गुजरात से हूँ, भरूच डिस्ट्रिक्ट, गाँव दहेज। दहेज मेरा इंडस्ट्रियल जोन है, जो 50 किलोमीटर के एरिया में कम से कम कंपनी के नए 500 प्लांट होंगे, जहाँ बाहर के लोग भी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के भी ज़्यादा रहते हैं। और मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि आप कोई भी फ़ोन भेज दोगे 110% आपको सॉल्यूशन होके मिल लगा। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हमारे सर, हमारे ऊपर जो है देव सर का हाथ है, देव सर के पास टीम है, हमारी टीम, पूरी टीम है, और ख़ास करके हमको टीम ने बहुत सपोर्ट किया है, कि इसलिए कि जब हम CPMMC उठा के काम कर रहे थे, जब भी फ़ोन चालू नहीं, तो और जब तक यहाँ पे ऐसा रूल्स है, जब तक काम बंदा सीख ना ले अच्छे से, तब तक लगातार पूरी टीम उनके साथ मेहनत करती है, वो चीज मुझे अच्छा। डिसिप्लिन यहाँ पर कैसा है? डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है, अगर डिसिप्लिन से रहना चाहो तो आप बिंदास आ सकते हो। 110% के लिए जोरदार ताली एक बार बजाना चाहूँगा। डिसिप्लिन फॉलो करता है, डिसिप्लिन वाकई में थ्रू आउट डिसिप्लिन के नाम पर साथ में सीखना भी मिलता है। आप ईमानदारी से अच्छे से सीखना चाहो तो आप 110% यहाँ आ सकते हो, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करो। और मेरे उधर का एक सीख भी गया है यहाँ पे, जो है अभी बैकअप में आया था 2019 में सीख के गया है। अच्छा अच्छा। और यहाँ बैकअप के लिए एक महीने पहले जो प्रॉपर है राजस्थान, उसका नाम है अभय राजपुरोहित। अच्छा, चोलवा में उसका सूप बहुत अच्छा काम कर रहा है अभय। उसका मैं हर रोज, मतलब वो मेरा फॉलोअर है फेसबुक पे, मैं चेक करता हूं, तो उसका हर एक डेली पोस्ट देखते हो? उसका डेली पोस्ट सब, हर पोस्ट में एशिया टेलीकॉम लिखता है ना। थैंक यू टू एशिया टेलीकॉम। तो उसी की वजह से मैं भी आया हूँ। मैं उससे डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन जब उसने लगा कि मेरा और उसके शॉप के बीच में जो है 5 किलोमीटर का, हाँ, मेरा जो दहेज में उसका जोलवा अभय राजपुर, वो भी आया था, उसको भी देखा मैंने, फिर मैंने देखा चलो अगर
सीखना ही है तो एक बार वहाँ चला है। फिर मेरी फैमिली ने, मेरे पापा जब मैं यहाँ से वहाँ से मतलब निकल रहा था, एमडी सर के साथ बात भी कराया मैंने पापा को, क्योंकि पापा कहीं ऐसे जाने नहीं देते हैं। सही बात। तो बोले नहीं पहले मैं बात करूँगा, बात करने के बाद जो है उनको अच्छा लगा, बात उनको अच्छा लगा, उनका सुबह फोन भी आया था कि मुझे एमडी सर के साथ एक बार बात कराना है। तो मैंने बोला ठीक है, शाम को क्लास खत्म होगा तो बात कराऊँ। बिल्कुल रात में बात। और मेरा लड़का एक हर रोज देखता है, मतलब छोटा है अभी। तो ये बेनिफिट है कि इंस्टीट्यूट आपको हाइड नहीं कर रहा। नहीं, 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 अगर हाइड करता तो इसका मतलब उनको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ भी सिखा सकते थे। हाइड में हाइड रहते हैं। हाँ। आप सोचो आप डेली लाइव हो, आप बिल्कुल लाइव भी बोल सकते हो सर मेरे को आज दो चीज समझ में नहीं आई, तो हम आपको रोक कर समझाएंगे। यहाँ दूसरा चीज एक अच्छा है ना कि थियरी के बाद तुरंत प्रैक्टिकल मिलता है, तुरंत उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे बंदा क्या होता है, ये बंदा होता है सर आपको खाली ओपनिंग करेंगे, वो ओपनिंग करने के बाद में सिर्फ एंड में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी ताली बजवाने के टाइम बताएंगे, कभी डेली लाइव नहीं आएंगे उनके डेली क्लासेस। मैं चेक किया, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे जो चार पांच इंस्टीट्यूट में मैंने चेक किया हूं, जहां मुझे ये बोला गया कि 15 दिन का कोर्स है, 40,000 रुपया फीस है, उसमें भी आपको हर रोज 5 घंटा आना है, 5 घंटा आना है, और उसके बाद भी बोलते हैं कि 5 दिन तुम्हारा थियरी चलेगा, 5 दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल चलेगा, 5 दिन तुम्हारा सॉफ्टवेयर चलेगा। उसके बाद भी बोलते हैं कि भाई 5 अब वो आएगा 11 बजे, 11 बजे आने के बाद बोलता है कि भाई मैं जो है 12 बजे से क्लास चल, 1 घंटा मुझे 700 कर में। फिर मैं जब उसके पास एडमिशन लेने गया तब मुझे एक चीज़ लगा, मैं आधा घंटा वहाँ खड़ा रहा तब उसने मैं गया ऑलरेडी चेक करने के लिए एडमिशन के लिए। फिर मैं गया तो मैंने देखा जस्ट आधा घंटा उसके पास रहा तो उसने मुझे 5 मिनट खाली समय दिया बात करने के लिए। तो मैंने दिमाग में एक सोचा जो बंदा आधा घंटा खड़ा रहने पे 5 मिनट का समय देता है तो 5 घंटे में क्या सिखा देगा। सही बात है। तो इसलिए मैंने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया। बहुत अच्छा किया, आगे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी किस्मत है आज। यहाँ दूसरी एक चीज है कि बैकअप मिलता है, 3 साल बाद भी अगर बंदा आना चाहे तो बिंदास तुम्हारे सामने का खुद ही आ रहा है। 2019 वाला आ रहा है, 2017 5 साल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। नीलेश गुजरात से। गुजरात से नीलेश, किधर से? गुजरात, अमरेली डिस्ट्रिक्ट। ओके, गुजराती बोल लेते हैं आप? बिल्कुल बोलिए गुजराती में, बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा, बहुत कुछ पूछूंगा आगे। ये बताओ एशिया टेलीकॉम में कैसा लगा अब तक? बहुत अच्छा सर। गुजराती में बताओ, कुछ बोल के बताओ। बहुत अच्छा है। पहला तो एवी गाइडलाइन्स नहोती, અહીં આવ્યા પછી ખબર પડી કે આવી રીતે હોય, કામ કરતા પહેલા પણ એવી રીતે નહીં। બાબા વાલા પૂછો, આપકા શોપ હે? ક્યાં નામ એડ્રેસ ક્યાં? મધુર મોબાઈલ नावली पुलिस चौकी। आपका और आपका मोबाइल नंबर बताओ। 9828-3000-09। तो मुझे बताओ इतना कॉन्फिडेंस से नंबर दे रहे हो, मतलब सीख रहे हो? हाँ सर, सर लाइव पावर सीपीयू सब निकाला है सर, सब सब कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। हाँ एकदम इजी लगा, पहले तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। किया नहीं है और अभी आप जाके करने वाले हो, रात भर जब तक ना लगे तब तक करना क्लास। मैंने आज बोला है घर मत आना आज एमडी से, इससे पहले जाने भी नहीं देते। पहले दिन नहीं हुआ था मेरे तो एमडी सर ने 4 बार ट्राई करवाया था। सर बोलते हैं इसकी सर कल रात में मेरा इंतजार मत करना। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो 9, 10, 11 बोला सर मैं अपना दिल खोल के दूंगा, जब तक वो हाथ नहीं उठा देंगे सर अब तो जाने दो तब तक। सो अच्छा मुझे बताओ कि कोई नया गुजरात से आना चाहे अपनी लैंग्वेज में क्यों है? सही गाइडलाइंस चाहिए तो यही आना चाहिए। सही गाइडलाइंस चाहिए तो आना चाहिए। यहाँ पैसा तो नहीं लूटेगा? नहीं कहीं नहीं। यहाँ पे पता है एक मुंबई से क्या 10-15 बहुत सारे आए थे। एक मुझे याद है, क्या नाम है दोस्तों? मुंबई से आया था जो मजदूर था, जो ईट और ऊट उठाता था और जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, जिसने मतलब 8वीं और 7वीं पास था, लेबर टाइप था वो। लेबर नहीं, 8वीं 7वीं क्या, वो जो स्कूल ही नहीं गया था, वो पढ़ने भी नहीं। क्या नाम था उसका? नाम थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। मैं सच बताऊं मैं नाम याद दिला दूंगा, कोई नहीं, अगली ले उसमें वो आप बताएं। उसको लिखना नहीं आता था, वो ईटा मतलब मजदूरी का काम करता था, लेबर गिरी करता था। उसको किसी ने भेजा है किसी दुकान वाले ने कि जा तू सीख क्या और मेरे यहाँ काम करना, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका नाम याद नहीं आ रहा, हम बताएंगे, उसका प्रोफाइल भी देंगे और उसका नंबर भी देंगे, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में किधर से अब्दुल? मैं महाराष्ट्र में बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे? बॉम्बे में किधर से? बॉम्बे में मीरा भाईंदर से हूँ। और शॉप है आपका? शॉप मतलब मेरा तो नहीं है, जिसका काम करते हैं आप? यस सर। कहाँ पर है वो? उसी का काम करने वाले अभी जाकर? यस सर। तो क्या है उसका एड्रेस? क्या है उसका एड्रेस? है मीरा भाईंदर नागौर रोड राहुल कॉलेज। और क्या नाम क्या है? दुकान का नाम है मनोराज कम्युनिकेशन। क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ पे मतलब मैं तो बस ऐसे मोबाइल के शॉप पे रहता था, एक बंदा वहाँ पे था रिपेयरिंग का, वो काम वगैरह करता था, मैं बस उसके यहाँ पे बस ऐसे दिख रख करता था, बस समझ में कुछ नहीं आता था। उनको भी समझो ना सर, उसको भी आता ही नहीं, कुछ नहीं आता। वही एटिंग वोटिंग वाले ही था। नॉर्मल टेक्निशियन? हाँ।
तो फिर बाद में मैंने सर को दिवाली के टाइम पे भी कॉल किया था, मुझे उस टाइम ही आना था, तो घर का कुछ ऐसा काम हो गया तो उस टाइम पे मैंने नहीं आ पाया था। और मैं आपका वीडियो वगैरह रोज का रोज यूट्यूब वगैरह पे देखता था, मतलब यूट्यूब जैसे खुलता था ना सर आपका ही पेज सबसे पहले आता था, तो फिर मैंने सोचा वहीं पे जाना सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो मुझे बताओ अब तक का सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, और जो चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो अपना प्रैक्टिकल में पूरा अपना सामने से या अपना MD सर जी होते हैं ना पूरा प्रैक्टिकल बता देते हैं। अच्छा, तो यहाँ बताइए यहाँ आकर वाकई में सही किया कि नहीं? ये सर बहुत अच्छा किया, अगर नहीं आता तो लाइफ का सबसे बड़ा गलती करते हैं ऐसा फील हो रहा है। मुझे बताओ बहुत आधा क्लास बचा हुआ है अब तक का जो सफर में लाइव पावर CPU सब निकल के लगा दिया सर, और सर्किट में आज क्या सेट था? सर्किट में अपना ये डेड का था, उसमें तो मतलब बोर्ड आता तो सामने वाले समझते नहीं पहले क्या करना नहीं करना, वही बोर्ड खोला एटिंग मार दिया, अगर होता है तो दे देता, नहीं तो फिर वो पता है तुमको दुकान वाले क्या बोलते हैं, किसी भी दुकान के यहाँ बैठने सीखने वो एक्सपीरियंस पहली बात तो वो अपना 100% कभी नहीं देगा, दूसरी बात तो वो अपना 40-50 या जितना भी देने के बाद ये बोलेगा कि अब तुमको 100% खुद के प्रैक्टिकल पे लेना है और तुमको सिर्फ IC निकाल के लगाना सिखा देगा भले ही, तो उसके बाद में कभी भी नहीं बताएगा डैड तब भी तो मतलब बोलेगा मैंने 5-20 साल में सीखा है तो मैं भी कम से कम 5-20 साल में ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार तो वो एक टेक्नीशियन है उसको टीचर नहीं है, उसको डिलीवर करना नहीं आता है, उसको ये नहीं पता कि मैं पढ़ाऊँ कैसे, उसको बता तो है कि यहाँ पर 4 बोल्ट आते हैं पर उसको ये नहीं पता कि उसको बोलूँ क्या मैं, तो ये वाले होते हैं तो दुकान में, इसलिए तो मुंबई में मनीष मार्केट में चले जाते हैं, कितने इंस्टीट्यूट है मुंबई सर में? मैंने बहुत मतलब सर्च किया तो मेरे को सबसे बेस्ट एशिया टेलीकॉम ही, सच बताओ इंडिया में सबसे बेस्ट कौन है बताओ? अपना एशिया टेलीकॉम सर। अपने शॉप में जाकर क्या काम करने वाले सर? अभी तो सर बैठने तो नहीं वाले? नहीं नहीं सर, अभी तो मतलब मार्केट में बहन मचाने वाला हूं। पक्का? यस सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल धमाका, क्या हो तुम? मेरा नाम प्रिंस है सर, बिहार से हूँ। बिहार से? बिहार के सारे लोग कड़क होते हैं भाई, सीधे साधे कहीं नहीं होते हैं। मुझे बताओ प्रिंस कितनी एज है आपकी? 21 में इतना क्या सोचा है कि यार ये सब सीखने को है? 21 में लोग तो अभी पढ़ रहे होते हैं या फिर घूम रहे होते हैं? नहीं सर, एक्चुअली मैं 2014 से काम कर रहा हूँ। 2014 से ही काम कर रहा हूँ। कहाँ पे काम करते थे? आपकी शॉप पे? नहीं, पहले दूसरे के शॉप पे करता था, बट मैं 2020 में अपना शॉप कर लिया। कहाँ पर? बिहार में गया से थोड़ा सा 15 किलोमीटर आगे से। नंबर नाम क्या है आपका शॉप का? लव मोबाइल। लव मोबाइल। बताओ की प्रिंस वाक्यू एशिया टेलीकॉम ने आपने सिलेक्ट किया, 2014 से काम कर रहे हो, बहुतों को देख रहे हो इंडिया में? तो सर बहुत का मैं देख रहा था आपका चैनल सर, 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। हमको ही क्यों सिलेक्ट किया बिहार से, और क्यों नहीं गए दूसरे के जहाँ कम फीस में? वीडियो तो बहुत जगह पे कम फीस भी है, ज्यादा फीस भी है, ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, लेकिन सर जो आउटपुट आपका है सर स्टूडेंट्स का, मैं लाइव देखता था यूट्यूब पे और फेसबुक में लाइव, फेसबुक पे लाइव, तो कॉन्फिडेंस फर्स्ट दिन से जैसे कॉन्फिडेंस सब स्टूडेंट का देखा तो मेरे अंदर से बूस्ट हुआ कॉन्फिडेंस सर, कि जाना है तो मेरे को यहीं जाना है। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, मैंने बहुत सारे का वीडियो भी देखा, लेकिन आपका सर मैं 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, कहीं भी मेरे को नो डाउट लगा कि हाँ जाऊंगा तो मेरा ये वेस्ट होगा, बट सर यहाँ पे आने के बाद मैं जो मास्टर लेवल का सीखना चाहता था वो सीख गया सर। पक्का? पक्का सर। और CPU MMC सब निकाल के लगा सारा है डेली? आपने जो भी सर्किट सीखा वो एंडलेस सीखा कि नहीं? एंडलेस सर। एंडलेस क्या होता है? इंटलेस बोले तो सर उसके बाद कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। आज हमने डेट सेक्शन किया, डेट को लेके अब बताओ कितना आपको लगा कि मैंने कितना सारा काम छोड़ दिया होगा? डेट को लेके सर तो मेरे को लगता है ये सब 5 साल पहले आना चाहिए सर, पहले क्या करता था फुल सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग निकाला हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर EDR रिपोर्ट बना रहा है तो सॉफ्टवेयर की अगर एरर हुआ तो लेके जाओ मेरे से नहीं बनेगा, बस इतना तक कर पाता था, उससे आगे मेरे को कोई नॉलेज नहीं था माइनर सॉर्टिंग है क्या सॉर्टिंग। तो EDR पोर्ट कहाँ से, अगर EDR पोर्ट नहीं भी बन रहा है तो EDR पोर्ट बनाने का पूरा वे ये भी पता चला सर? फुल वे, फुल वे पता चला, इवन हर लाइन DC की रीडिंग, आपका हर IC का एक रीडिंग वोल्टेज सब कुछ मिला कि नहीं? सब मिला कुछ सर। समझ में आया? समझ में आया सर। सिर्फ यहाँ दिखाया कि करवाया भी यहाँ पर प्रैक्टिकल? यहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? इतना प्रैक्टिकल हुआ सर कि मैं सोचा नहीं था कि इतना प्रैक्टिकल, मैं खुद 15-20 डेट फोन लेके आया हूँ, सारा मैं वो जाके अभी करने वाला हूँ सर प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताओ अभी नया कोई बिहार से आना चाहे तो क्यों है बताओ? बेशक आ सकते हैं, अगर अपग्रेड होना है, अगर लगना है कि आपको झोला छाप नहीं है, वो मेन MBBS होता है ना, गाँव गाँव में झोला छाप दोनों में बहुत फर्क होता है, तो MBBS बनना है तो एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा। मैं भी आया क्योंकि मेरे को पहले झोला छाप मैं भी था, बट अभी मेरे को MBBS का नॉलेज लेना था, वो मैं यहाँ पहुँच गया, मेरे पास हो गया। तुम्हारी गारंटी?
मेरी गारंटी सर। और एक एक्स्ट्रा मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं पहले कैसा वीडियो बनाता था और अब यहाँ से जाके कैसा बनाने वाला हूँ तो आप मेरा खुद यूट्यूब चैनल देख सकते हैं लव मोबाइल। अभी समथिंग 4000 का समथिंग सब्सक्राइबर है, तो मैं 28 तारीख को बाद ही क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ही अपडेट हुआ। आप मेरी फर्स्ट वीडियो वो देख लेना, आपको नॉलेज हो जाए कि मैं पहले क्या वीडियो बनाता था और अब क्या बना रहा हूं। अच्छा, मतलब आप मोबाइल रिपेयरिंग पे वीडियो बनाते थे? वीडियो बनाते थे। और अब मतलब मैं समझ गया, पहले आप कॉम्बो यार या चार्जिंग कनेक्टर ऐसे कुछ या फिर डायरेक्ट जम्पर वाले है ना? बस यही जम्पर वाले डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां से करो। लेकिन खुद नहीं सीपीयू एमएमसी निकाल के वीडियो बनाने वाले अब तो इतना बनाने वाला, आप एक वीडियो देख लेना उससे समझ में आ जाएगा सर जो नॉलेज यहां पे क्या मैं सीख के जा रहा हूं एक वीडियो से पता चल जाएगा। वो अगर मैं अगर वहां पे डायग्राम ही पढ़ाऊं तो उनको तो समझ में आएगा। क्या चैनल का नाम? लव मोबाइल सर। लव मोबाइल भाई सब सब्सक्राइब करो इनको और फर्स्ट वीडियो देख के समझ आना। मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको तो थ्योरी नहीं समझ में आ रहा सर, जो स्टूडेंट यहां है उन्हीं को थ्योरी समझ में आएगा। तो वो एक वीडियो देख के उनको पता चल जाएगा कि मैं पहले क्या था और अभी किस लेवल पे हूं, वो उनको उस वीडियो से पता चल जाएगा। बोर्नियो से तो नहीं होगा करो सर? बोर्नियो क्या है? बोर्नियो का तो हम लोग बनाएंगे डायग्राम देख के क्या बोर्नियो बनाएगा, उससे भी डीप लेवल पे सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एशिया टेलीकॉम। मतलब पैसा वसूल पैसा दीप, आपका क्या करते थे प्रदीप? मैं सर फ्री था फिलहाल, अभी फ्री था। मतलब ठीक है, तो आपने रिपेयरिंग सोचा करने के लिए, तो आपने क्यों पंजाब से जोधपुर की सोचा की? मेरा दोस्त आया था कोई। अच्छा, तो उससे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे चले जाओ। तो उन्होंने आपको एग्जैक्टली क्या बोला कि आपने इसे बोला चले जाओ? तुमने पूछा भी तो होगा ना कि बाकी? उन्होंने बोला अच्छा सिखाते हैं आपको सीखना। उसका नाम क्या? पंकज। पंकज 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 पंजाब से? जम्मू से। जम्मू जम्मू दोस्त है आपके? अरे क्या बात है, पंकज तो हमसे सीख के गया। पंकज आज कैसा काम कर रहा है? बढ़िया कर रहा सर, बढ़िया। सीपीएमसी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सब कर रहा वो। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ के आने के बाद कैसा आपका लेवल बदला? मुझे चेंजेस हुई हैं, पहले मैं करता ही नहीं था, खोलना ही नहीं था कभी। खोलता था सिंपल, मैं काम नहीं करता था, लड़के थे। अब आप खुद बैठता हूँ, डेट का पता चला कैसे करना, डेट सेक्शन कैसे पता चला। सीपीयू पावर लाइव किया? नहीं नहीं, मैंने किया ही नहीं था कभी। नहीं, सीपीयू पावर यहाँ लाइव किया? यहाँ पे लाइव किया, चालू किया सर? हाँ हाँ चालू किया। ईएमएमसी पे भी आज डेट सेक्शन में सिखाया सारा, कैसे फाइंड करना सेट को, कैसे चेक करना, कैसे क्या करना, सारा एक विजेट सिखाया सर। और मुझे बताओ कि यहाँ से जाने के बाद में प्रैक्टिस कितनी जरूरी है आपकी? प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है सर, करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कृष्णा, गोंदिया महाराष्ट्र। क्या नाम है? गुड्डू कुमार मेहता। उमेश। आदित्य। आदित्य भोली सरकार है तुम्हारी? भोले नहीं हो पा तुम। क्या नाम है? राकेश उड़ीसा। राकेश। बबलू अस्के। बबलू। अनिल। अनिल। अनिल, और मुझे बताओ शुरुआत में एशिया टेलीकॉम आकर वाकई में कुछ मिला कि नहीं मिला? सच बताओ। जी सर बिल्कुल 100% मिल रहा है। आपने लाइव पावर सीपीयू किया कि नहीं किया? जी सर किया। और यहाँ के क्या लगता है कि कोई भी बच्चा सीख सकता है यहाँ पर? बिल्कुल सीख सकता है, फ्रेशर भी सीख सकता है क्योंकि मैं फ्रेशर ही था। हाँ हाँ हाँ। अब जाके डेड मोबाइल पे काम कर सकते हैं? जी सर। बहुत से लोग बोलते हैं फ्रेशर कोई सेक्शन तो बना सकता है पर डेड ही नहीं बना सकता, ये मैं गलत साबित करता हूं। नहीं नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया वो तो एकदम फ्रेशर के माइंड में एकदम 100% बढ़ जाता है। एशिया टेलीकॉम मतलब क्या? फुल पैसा वसूल। थैंक यू वेरी मच, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश क्या? उड़ीसा से। राकेश कुछ काम करते थे इससे पहले? थोड़ा थोड़ा, कनेक्टर वनेक्टर। दुकान थी या कहीं पे? दुकान। क्या नाम है दुकान का? ओम साई मोबाइल। कहाँ पर? ओडिशा। नंबर क्या है? नंबर क्या है राकेश? 9668338323। तो राकेश यहाँ से अब जाने के बाद कैसा काम करने वाले हो? बहुत ऊंचे लेवल के, मतलब सीपीएमसी निकालने वाले हो? सॉफ्ट सर। चलो, आपको पता है कि आईसी जब डेड आता है तो कब मुझे पावर निकालना है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जाके आप प्रैक्टिकल भी करोगे। लाइव क्या काम किया? पावर सीपीयू पर सीपीयू पूरा लगा के चालू किया सेट? लगा के टुक्के में किया कि बकायदा किया? सीपीयू सर एक बार में लगा दिया था लेकिन नहीं हो रहा था, दूसरी बार में हो गया पूरा। उसके बाद हुआ? उसके बाद कितनी बार किया? मतलब प्रॉपर तरीके से सर, प्रॉपर तरीके से लगाया। तो राकेश यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट का पैसा वसूल होगा? पैसा वसूल होगा। तुम्हारा हुआ? मेरा तो हो गया। हो गया पक्का? पक्का। मेरा नाम बबलू अस्के। बबलू। बबलू कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से बबलू। उड़ीसा में कहाँ से? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, बारीपुरा। तो यहाँ पर लाइव पावर सीपीयू निकाला कि नहीं निकाला? यस सर। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। अभी आज डेट सेक्शन कैसा लगा? सर सेक्शन बढ़िया लगा सर। बबलू मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो। पूरा मतलब डायग्नोस किया, सारे प्रैक्टिकल भी किया, देखा भी है सब कुछ। तो बबलू मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर सेक्शन समझाना, चलो मैं मानता हूँ हर एक के लिए आसान हो सकता है, पर डेट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, डेट अगर मैं पहले दिन आता और डेट समझाता तो समझ में आता है क्या? नहीं सर, पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कैसे चेक करना क्या करना है। क्योंकि आपको कॉम्पोनेंट की डिटेलिंग, आईसी की डिटेलिंग, आपको देखने का नजरिया, डेट वही बना सकता है जिसको पीसीबी देखने का क्या बदले नजरिया, जो अलग तरीके से पीसीबी देखे। ये सर जो देखे कि हाँ ये आईसी ये है, वो आईसी ये है, ये कॉम्पोनेंट यहाँ क्यों लगा हुआ है, तो ही तो डेट बना पाओगे ना। ये सर अगर यहाँ पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? पैसा वसूल सर। पैसा वसूल यहाँ पर
बताओ। सर मेरा नाम उमेश है, एमपी से हूँ। एमपी में क्या करते हो उमेश? सर मेरा मोबाइल का शॉप है। हाँ जी, अमानगंज उमेश मोबाइल गैलरी करके। आपका कहाँ एड्रेस बताइए? एमपी पन्ना जिला अमानगंज में। आपका नंबर बताओ उमेश। 84 61 95 39 71। आप बिल्कुल इनको, आप इसके जिले के हैं या इसके आसपास हैं, आप इनके कहीं से भी हैं, आप चाहते हैं उमेश को सेट भेजना, बिल्कुल भेजिए। यहाँ पर नंबर आपके साथ में है। उमेश मुझे बताओ यहाँ आकर कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा सर। सच बताओ? यस। आपने लाइव प्रैक्टिकल सीपीयू बीएमसी से सब किया? यस। सीपीयू पावर निकाला होगा जी। और आज डेट सेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी और भी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी हम ब्लैक पेस्टेड पे काम करने वाले हैं जी सर। और मैंने बोला है, और इन सबसे मैंने दिखाओ सब सबको, इन सबसे मैंने बोला है कि इन सबको मैं एक मुंह में एक लैंग्वेज देने वाला हूं। जैसे एक मुंह में जवान बोलते हैं जिसको कि सर मक्खन हो गया है ब्लैक पेस्टेड, अभी कोई सा भी वोट दे दोगे मक्खन के जैसा, मक्खन छीलते ना अपन सर। मैसा कौन कौन निकालना चाहेगा? सब निकाल मक्खन विदाउट डेड रिक्स। बताओ कि सेट डेड नहीं होने देंगे, पैड तो निकलेगा ही नहीं, वो बात की बात है, सीपीयू आपका भी हिलेगा भी नहीं, डेड रिक्स। ठीक है। पटना, पटना में कैसे आए, जबलपुर कैसे? सर वो फेसबुक पे सर वीडियो देखे थे सर। फेसबुक पे वीडियो देखे थे, कैसा लगे फेसबुक वीडियो देखे? बहुत बढ़िया। अच्छा, आग लगती है अंदर देख के यार, ये इतने अच्छे कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं। यस सर, बहुत लगती है सर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर, हम कभी इसके पहले कभी हम फोन खोले भी नहीं थे सर, और अब तो सर लगता है कि सब कुछ कर ले। अरे मुझे बताओ, तुमने लाइव पावर सीपीयू निकाल लिया? यस सर। इन्हें झूठ तो नहीं बोले? निकाले पक्का? पक्का, ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर। देखो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बच्चे ऐसा रिव्यू देते हैं डर के मारे, उनको लगता है बैकअप नहीं देंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये दिल से दे रहे हैं। बट यार मेरे सच बताओ कि यहाँ पर ये दिल से कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? यस सर। ऐसा कोई जवाब? नो सर। या ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ हो तो हमारे सामने हो सर के सामने बैकअप? नो सर, कोई फोर्सली नहीं बोल रहे हैं सर, सब अपने मन से बोल रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा होता है, आप रियलाइज किए, प्रैक्टिकल किए। यस सर। आज डेट सेक्शन कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर। कैसा? पहले तो कुछ करते नहीं थे तो मैं बोल ही नहीं सकता कि तुम कुछ यहाँ पर कि डायरेक्ट कैसे बनाते थे। yes, चलो ठीक है, एसर टेलीकॉम मतलब क्या? पैसा वसूल। पक्का? yes, तुम नेपाल में कहाँ से? थोड़ा से। कि शॉप ऑप है कि नहीं है? है मेरा शॉप। क्या बताओ एड्रेस? मेरा बैंक रोड में है। बैंक रोड में जी। आपका नंबर, नाम बताओ शॉप का। हेमंत इलेक्ट्रॉनिक। हेमंत इलेक्ट्रॉनिक। और आपका मोबाइल नंबर बताइए। 98068 19440। ये आपका नेपाल का है जी। अच्छा मुझे बताओ अनिल किस लेवल पे काम कर रहे थे अपनी शॉप पर? काम मैं आईसी का भी करता था, लेकिन और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी मैंने सीखने गया था। हाँ जी। लेकिन जो कमी था मैं वो यहाँ नेपाल में कि इंडिया में? इंडिया में, मोतिहारी में। नहीं बस नाम नहीं, बस जगह बताओ जी। जगह किधर? इंडिया में। इंडिया में किधर है? स्टेट बीच मोतिहारी, बिहार। बिहार, बिहार में गए थे। सो वहाँ पे क्या सीखने को मिला? यही सिर्फ आईसी रिबॉलिंग करना सीखने को मिला, और बाकी कितने दिन मैं रहा था? 27 दिन। 27 दिन में आईसी रिबॉल की खाली? कोई डायग्राम या कुछ नहीं? नहीं कुछ। और ये डेड सेक्शन समझाया कभी? नहीं, वो उतना इतने डीप लेवल से नहीं समझाया। जो कितने दिन में करती? एक दिन में किया था। एक दिन में क्या, दो घंटे में किया ना? तो हाँ, मतलब कि एक ही उसी दिन सब किए थे। अब वहाँ पर जब वो इंस्टीट्यूट गए थे तो सीपी मेमसी, आप सीपी पावर आईसी निकाल के लगाए थे आपने? जी लगाए थे। वहाँ पर वाले इंस्टीट्यूट में? नहीं, मोती बिहार में। नहीं, यहाँ लगाए जी। यहाँ और मोती बिहार में कितना अंतर? बहुत बहुत। कितना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे बताओ कोई लड़का यहाँ आना चाहे नेपाल से तो क्या कहना चाहोगे? बहुत आ सकता है वो। पक्का जी। और यहाँ से जो स्टूडेंट सीख कर गया था वैसे तो मैं पहले आपका मतलब वो फेसबुक देखता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में आपका नेपाल का नंबर भी उसमें डाला गया था। हाँ, नेपाल का नंबर डाला। फोन करके भी पूछा। क्या नाम था उसका? नाम कोई शाम। हाँ हाँ, शाम। तो उससे भी मैंने पूछा तो वो भी बोला नहीं ठीक है जाइए, बढ़िया रहेगा बोल के। तो वो हमारे स्टूडेंट था, पता जी, आपको? हाँ, जी। हम उसको टीचर रखने वाले हैं बहुत जल्दी। वो हमको बोल चुका है कि सर मैं तो अब दुकानदारी से यहाँ आपके पास आऊंगा, 6 महीना रुकूंगा। मैंने बोला बिलदास, तो बोले कि जाइए ठीक है सब बढ़िया है। उनके कहने के भी और मेरा इच्छा भी था यहाँ आया। अब बताओ शाम को क्या कहना चाहोगे? सच बताओ, देख रहा उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपको यहाँ भेजा आपने, मुझे रेफरेंस दिया। जी सर, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।